Assalamu alaikum, I'm Dr. Kiyani Herbalist. Darul Tibb, Idara Tibb Sehat ki taraf se Azka hair tonic. Ye ek bahut hi marvelous aur bahut hi ek behtareen composition hai baalon ke liye. Baalon ka jo masla hai वो इंसानी सेहत से इतना रिलेट तो नहीं करता, या हम ये समझते हैं कि ये इंसानी सेहत का मसला नहीं है. बेसिकली ये एस्थेटिक इशू है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में उनकी हुस्न और सेहत और ज़ेबाइश और उनकी एक पुरकशिश शख्सियत उनके बालों की वजह से ही होती है. और बदकिस्मती से बालों के इश्यूज़ मर्दों में भी और औरतों में भी हमेशा रहे हैं और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. इसके पीछे बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं. एक तो ये है कि ख़वातीन जो है वो केयर नहीं करती, और कॉस्मेटिक हेयर कॉस्मेटिक में जो शैम्पूज़ हैं या हेयर टॉनिक्स हैं वो सारे केमिकल से भरे हुए होते हैं जो कि बालों को डैमेज करते हैं. और बहुत सारे हेयर प्रोसेस जो कि ख़वातीन अपने हुस्न और ज़ेबाइश के लिए करती हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसमें स्ट्रेटनिंग है और डाइंग है, कलरिंग है, तो ये प्रोसेस जो है वो एक तो बालों के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और दूसरा ओवर हीट होने की वजह से भी जो बालों का प्रोटीन है या केराटिन है वो मुतासिर होता है, जिसकी वजह से बाल गिरते भी हैं. अब बाल गिरने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं या इसमें मुख्तलिफ फेज़ होते हैं. एक तो ये है कि बाल डिफ्यूज़ हो गया. डिफ्यूज़ का मतलब ये है कि बाल इतना कमज़ोर हो गया और उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा. आयरन है या आपका कैल्शियम है, जिंक है, और इसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन B12 है, और प्रोटीन ख़ास तौर पे. अगर ये डाइट में कम है, और ख़वातीन में आमतौर पर ये डेफिशेंसीज़ होती हैं, उसकी वजह से अगर बाल कमज़ोर है तो बाल पतले होंगे और पतले होकर वो आस्ते आस्ते शेडिंग में चले जाते हैं. फिर इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं. ख़वातीन के साथ तो पेचीदियाँ हमेशा रही हैं. बीमारियों के हवाले से भी इसमें बालों पर असर पड़ता है. जैसे PCOD बहुत कॉमन डिज़ीज़ है. हार्मोनल इश्यूज़ हमेशा ख़वातीन के साथ रहते ही हैं. डायबिटिक है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, कोई भी डिज़ीज़ अगर बॉडी में चल रही है तो उसका इम्पेक्ट आपका स्किन पर भी होता है, आपके बालों पर भी होता है, और उससे आपकी जो एस्थेटिक लुक है वो भी डैमेज होती है, वो कम होती है. तो ये वो सारी चीज़ें. मेल साइड पे अगर देखें तो एलोपेशिया एक कॉमन कंडीशन है. एलोपेशिया के पीछे फंगस इन्फेक्शंस होते हैं, हार्मोन के डिसऑर्डर होते हैं. अब ये हार्मोन जो है वो मेल और फीमेल साइड पे 80% हेयर फॉलिंग हार्मोन की वजह से ही होती है. तो मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, DST रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके थोड़ा सा बढ़ जाते हैं. फीमेल में भी बाज़ दफ़ा ये बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको एलोपेशिया या हेयर फॉलिंग होती है. एलोपेशिया का मतलब ये है कि 100-200 बाल यक लख्त गिर जाना, और वो पूरा एक स्पॉट बिल्कुल नंगा आपको नज़र आता है. अच्छा, मेल साइड पर यह है कि सामने की साइड पर या बिल्कुल सर के बीच में बाल गिरते हैं. फीमेल में सामने की साइड पे कम होते हैं, लेकिन जो उनकी मांग है या सेंट्रल लाइन है वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है और वो बाल आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाते हैं. बहरहाल ये सारी चीज़ें क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, और दारू तिब की तरफ से जो अज़का हेयर ऑयल है इसमें सारे कंपोनेंट नेचुरल, ऑर्गेनिक और कुदरती अज़ा पर हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है. ये एक तरह से बालों को न्यूट्रिशन भी फ्राहम करता है, बालों को डैमेज होने से भी रोकता है,
بالوں کو گروتھ دیتا ہے, اور ڈینڈرف اور مختلف جو اسکن کی انفلیمیشنس ہیں, انفیکشنس ہیں, ان کو, جیسے ایکزیما ہے, الرجی ہے, سورائٹک ٹائپ کی کنڈیشنس ہیں, ڈرمٹائٹس ٹائپ کی چیزیں ہیں, یہ ساری بھی کور ہوتی ہیں. اور روٹس کو اور فولیکلس کو یہ اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ بال اپنی جگہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے, گرتے ہوئے بال رک جاتے ہیں, گئے ہوئے بال واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بالوں کے تقریباً تمام مسائل. اور پھر آپ اس کو اگر ریگولر یوز کرتے ہو تو پریمیچور گرینگ, جو کہ بالوں کی سفیدی ہے جو عمر سے پہلے آپ کے ساتھ شروع ہو گئی ہے, اس کو بھی یہ پریونٹ کرتا ہے, رکتا ہے, اور بالوں کے اصل کلر کو ریورس بھی کرتا ہے, یعنی کہ دوبارہ بھی بالوں کو بلیک کر سکتا ہے. لیکن لانگ ٹرم ہے تو ریگولر یوز کرنا ہوگا. اور ویسے تو اس کی ایک بوتل ہی آپ کے بالوں کو روکنے کے لیے کافی ہے, انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن ری گروتھ کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو ریگولر کرنا ہوگا. اور پری میچور گرینگ میں مزید اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ایک بہترین سولوشن ہے, سولوشن فرام نیچر. تھینک یو ویری مچ.